घरों की विशेषता के बारे में जाना था। यहाँ कुछ पुराने घर की खासियत हैं। यह आप देख रहे हैं, एक जालीदार खिड़कियाँ है जो बाहर की तरफ उभरी हुई है, जिसे डब कहते हैं, जिसे बाहर का नज़ारा अच्छे से देखा जा सकता है। कुछ पुराने घर हैं जो पत्थर, ईंट और लकड़ी से मिलकर बनी हुई है। इन घरों के दरवाजे और खिड़कियों में डिजाइन बनी हुई है, जिसे मेहराब कहते हैं। हम अब मिट्टी के घर के बारे में जानेंगे। मिट्टी के घर हमारे मध्य भारत में पाए जाते हैं, जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इलाका में आपको बेसिकली गांव के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। हर राज्य के मिट्टी के घर का स्वरूप अलग है। वो इसलिए क्योंकि उस परिवेश पर आसानी से मिल जाने वाले संसाधन का परिणाम है। मिट्टी के घर की विशेषता ये है कि इसकी दीवारें मोटी होती है, ताकि अंदर गर्मी ना आ सके। घरों की मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए इसमें भूसा मिलाया जाता है। इनकी छतों को झाड़ियों से बनाया जाता है। हम राजस्थान के मिट्टी के घर की विशेषता जानेंगे। यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बहुत खूब गर्मी पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती है। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और इसकी जो छतें होती हैं वह कंटीली झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर कंटीली झाड़ियाँ ही मिलती हैं, पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। अब ये वो घर हैं जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान साइड के हैं, क्योंकि यहाँ पे नीम और कीकर की लकड़ी आसानी से मिल जाती हैं, और इन पेड़ों की लकड़ी की विशेषता ये है कि इसमें आसानी से कीड़े नहीं लगते हैं, इस ताकि घर सुरक्षित रहे और लंबे समय तक चल सके। अब ईंट के मकान के बारे में समझेंगे। ईंट के मकान इमारतें के आवास समतल मैदान के क्षेत्रों में मिलते हैं, जो हमारा मध्य भारत का एरिया है, जो एक मंजिला से लेकर बहुमंजिले तक होते हैं। भारत के मैदानी क्षेत्र में जो बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, चूंकि हम ये बड़े बड़े शहरों को कवर करने वाले हैं, तो यहाँ मिलने वाले लोगों के बारे में भी जानेंगे, और वहाँ पे जो अलग अलग घर हैं आप यहाँ देख पा रहे हैं। शहर एक है किंतु घर का स्वरूप अलग अलग है। ये बहुमंजिला है, एक मंजिला घर, कुछ झोपड़ियाँ हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है राजधानी का। दिल्ली और उसके बड़े शहरों में गांव और कस्बों से लोग को काम की तलाश में आना पड़ता है। ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग ज्यादा हैं और जगह कम। बहुत लोगों के पास मकान होते ही नहीं, उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है, और कई लोग के पास वह भी नहीं। लोग जहाँ जगह मिले वहीं सो जाते हैं, सड़क पर या फुटपाथ पे या रेलवे स्टेशन पर। चूंकि यह इलाका शहरी है, लोग काम के तलाश पे यहाँ आते हैं और बस जाते हैं। जगह कम होने के कारण उन्हें अपने अनुसार घर बना लेते हैं। हम हवेली और महल के बारे में जानेंगे। हवेली महल प्राचीन मध्यकालीन ऐतिहासिक काल में राजा महाराजाओं, जमींदार या विशेष धनी वर्गों के द्वारा इसे आवासों का निर्माण किया जाता है था, परंतु वर्तमान समय में कुछ विशेष संपन्न वर्गों के बनाए जाते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है। ये कई भागों में विभाजित होते हैं।
इनमें पत्थरों और लकड़ियों का बहुत ज्यादा उपयोग होता था। इनकी छतों में, दीवारों पर, दरवाजों पर खूबसूरत नक्काशी की जाती है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो महल हैं, इनकी नक्काशी कितनी अच्छे से की गई है। ये दरवाजे हैं जिन पे भी नक्काशी है, और पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अब हम सेवन स्टेट नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कवर करेंगे। यहाँ पर ज्यादातर बांस के घर की खासियत है। बांस के घर जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, असम, ये जमीन से 10-15 फुट की ऊंचाई पर बनाया जाता है। यह असम के मोनल गांव का विद्यार्थी है जो अपने बारे में बता रहा है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाते हैं, और ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये असम के घर की विशेषता है। हम केरल के घरों को इस इमेज में देख पा रहे हैं। ये घर वो हैं जो मछुआरे हैं, जो अपने जीवन आजीविका का साधन मछली पालन, मछली पकड़ना और उन्हें बेचने से करते हैं। ये वो लोग हैं, लोगों का घर है जो मछली पालन नहीं करते। किंतु ये घर की एक विशेषता यह है कि इनका जो खिड़कियां होती हैं वह समुद्र की तरफ होती हैं। आप जल समीर और थल समीर के बारे में पढ़ा होगा, तो आप खिड़की की विशेषता जान सकते हैं। अब हम अस्थाई घर को जानेंगे। उदाहरण के तौर पर है इग्लू, हाउस बोट, टेंट और रेबो। इग्लू बर्फ के घर होते हैं। ये घर गुंबज के आकार के होते हैं। इनका प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा होता है, जिसमें बर्फीली हवाएं इसमें प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक अस्थाई घर है। हाउस बोट, हाउस बोट व डोंगे ये लकड़ी से निर्मित घर होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। ये पर्यटकों के लिए बनाए जाने वाला एक अस्थाई घर है। कश्मीर के हाउस बोट आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, और केरल के हाउस बोट ऐसे। रेबो, यह एक अस्थाई घर है। लद्दाख की चंगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। हम चंगपा जनजाति और रेबो और लेखा के बारे में जानेंगे। टेंट लगाने से पहले जमीन में 2 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं, फिर उस गड्ढे के आसपास की ऊंचाई जमीन पर टेंट लगाते हैं। इस रेबो के बीचों बीच में एक खुली छेद होती है जहां से चूल्हे का धुआं बाहर निकाला जा सके। रेबो के साइड में ही लेखा होता है। लेखा वह है जहां भेड़ बकरियां रहती हैं। वह पत्थरों का एक चट्टान के ऊपर एक से मिलकर बनाते हैं। लेखा की दीवारें और चट्टानों और पत्थरों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। अब टेंट, जो अस्थाई घर है, जो पर्वतारोही होते हैं वे प्लास्टिक के सीट के बने हुए इस प्रकार के टेंट का प्रयोग करते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। टेंट का निर्माण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा होता है। शहरों में गरीब वर्ग के प्लास्टिक या कपड़ों से ये टेंट बनाते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि दिल्ली का इलाका या बड़े शहरों के जो लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं और बस जाते हैं, वह इस तरीके से टेंट में अपना घर बना के